हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। अब हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करेंगे। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो आजकल यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है, जिनमें एक प्रोसेसर लगा होता है जिसको हम CPU कहते हैं। एक छोटी सी चिप होती है, इसी को हम CPU कहते हैं, या हम प्रोसेसर भी इसको कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, पेज नंबर 11 पे। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा रुकिए, इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं फोर्थ जनरेशन की। उनमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है और इनमें बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट होती हैं, जैसे कि SQL, सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये सभी लैंग्वेज कंप्यूटर में सपोर्ट होती हैं फोर्थ जनरेशन में। ओके, द कॉस्ट बिकम वेरी लो, बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड थर्ड जनरेशन से बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली थे, ये सस्ते हैं। दे आर ईजी टू हैंडल, इनको हैंडल करना ईजी होता है क्योंकि साइज में छोटे होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पे। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो हमसे बातचीत भी करने लगे हैं। जैसे जब आप मोबाइल फ़ोन में कुछ बोलते हैं, जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे बोलेंगे ओके गूगल, तो कुछ उसमें एक्टिविटी होगी और वो आपको सुनने लगेगा, फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देगा बोल के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आपके मोबाइल्स हैं या कंप्यूटर्स हैं ये कैसे हो गए हैं, इंटेलिजेंस हो गए हैं। और ये कैसे इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल, यानी कि ह्यूमंस ने इनको इंटेलिजेंस बनाया है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दिस कंप्यूटर्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग कन्वर्जेशन विथ ह्यूमन्स, हम लोगों से ये बातचीत भी करते हैं। मोबाइल फोन्स जैसे आप बातचीत करना चाहें ना, तो उसमें एक रोबोट की आवाज़ आती है, उससे आप बातचीत कर सकते हैं ओके गूगल बोल के। ओके, इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा कि हाउ टू यूज़ गूगल असिस्टेंट, तो वो आपको बता देगा कि कैसे आपको इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आपका मोबाइल फ़ोन भी इंटेलिजेंस है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं रोबोट के जरिए, ठीक है। एग्जांपल है रोबोट्स सुपर कंप्यूटर्स। तो इनके फीचर्स क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दिस साइज इज टू स्मॉल, कंप्यूटर्स हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा इसमें मेमोरी क्षमता होती है, मेमोरी बहुत ज़्यादा डाटा आप सेव कर सकते हैं इसमें। दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हाईली कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस, बहुत ही कठिन से कठिन प्रॉब्लम को ये ईजीली कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। आज हम चलते हैं स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब सॉरी यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसके लिए अपने पास बुक ओपन कर लेता हूँ। आपके पास अगर कोई बुक है तो आप भी उसको ओपन कर लीजिए, टैकी एंड टैबी का ये फन पार्ट है। ओके, तो इसमें लिखा है कि इफ़ यू टच अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट यू इमीडिएटली पुट योर हैंड अवे, जब आप कोई गर्म चीज़ को छू लेते हैं गलती से तो आप अपना हाथ हटा लेते हैं क्योंकि आपका हाथ जलने लगता है। ओके, तो आपके दिमाग को पता चल जाता है कि ये चीज़ हॉट है, आप सीख जाते हैं, आगे से आप किसी हॉट चीज़ को नहीं छूएंगे। ऐसा ही आपका होता है मशीन्स के साथ, मशीन भी एक बार में चीज़ों को सीख जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। तो जैसे इंसान सीखते हैं ना, वैसे ही मशीनें आजकल सीखने लगी हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप किसी पर्सन का नाम बार बार अपने मोबाइल पर सर्च करते हैं कुछ भी, तो उसका वो ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाता है कि आप इस पर्सन के बारे में आप जो है ज़्यादा इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1955 में एक पर्सन थे जॉन मैकार्थी, जिनकी ये फोटो बनी हुई है राइट साइड में ये। ओके, तो इन्होंने इसको इस पर काम करना शुरू किया था, इनको पता था, इन्हें लगता था कि मशीन्स भी बोल सकती हैं और इंटेलिजेंट हो सकती हैं ह्यूमंस की तरह। तो जॉन मैकार्थी ने
इसको स्टार्ट किया था 1955 में, ये जाके अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी ये सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे वीडियो गेम्स होते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। आपके आपने देखा होगा कार भी स्मार्ट हो गई हैं, जो नई कार आती हैं उनमें असिस्टेंट होता है, आप विंडो खोलते हैं तो वेलकम करती है गाड़ी, है ना। तो ये क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे ही आप गेट खोलेंगे तो कहेगी वेलकम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई। जैसे गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार आती, गूगल की एक कार बनी थी जिसमें उन्होंने इसको बनाया था, वो खुद से चलती थी, उसमें कोई ड्राइवर का यूज नहीं था, ड्राइवर उसको नहीं चलाते थे, वो खुद से चलती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज करेंगे, विच डिवाइस इज नॉन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग। तो मैकेनिकल वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये पास्कलाइन की बात चल रही है, अगर मैकेनिकल नहीं होता तो अबेकस होता। तो इसका आंसर है पास्कलाइन। सेकेंड क्वेश्चन है, द वर्ड अबेकस इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अबेक्स। ऑप्शन बी, फर्स्ट का था ए, सेकेंड का बी, अबेक्स, यहाँ पे टिक लगाइएगा, ठीक है। थर्ड है, हु इन्वेंटेड द पास्कलाइन। पास्कलाइन को किसने इन्वेंट किया था, तो स्टूडेंट्स आपको पता है ब्लेज पास्कल ने। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन इन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, यूनिबैक, ये फर्स्ट ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम। तो पहला आपका ये डायग्राम है, ये क्या है, पास्कलाइन है। ये सेकंड है, इसका आप लिखेंगे प्रोसेसर, ठीक है। क्या लिखेंगे सेकंड में, प्रोसेसर, PROCESSOR। इसमें लिखेंगे आप नेपियर्स बोन्स, इसमें लिखेंगे आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आप देख सकते हैं डायग्राम के नाम बुक में पीछे, जो अभी हमने लेसन कंप्लीट किया उसी से है, ठीक है। अब इनके फुल फॉर्म्स लिखने हैं, तो इनके फुल फॉर्म्स हम आपको पिक्चर्स के जरिए भेज दे रहे हैं और उससे आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, हमारी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बचा है, तो सॉरी इसको भी हम कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। ट्रू फॉल्स है, इन एंशियंट टाइम पीपल काउंट कैटल एंड अदर थिंग्स बाय यूजिंग देयर फिंगर्स। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। लोग जो पहले थे कैसे काउंटिंग करते थे, कंकड़ पत्थर से और उंगलियों से, फिंगर से। सेकंड है, एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट इज फॉल्स, बिकॉज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज पास्कलाइन, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड एंड फॉल्स। थर्ड, अबेकस इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेवन एंड अर्थ। यस, ट्रू, 100% ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर, माइक्रोप्रोसेसर चिप्स वर यूज्ड फॉर द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। फॉल्स, बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इट इज फॉल्स, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।